व सीन मैप्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज ई टी सी दिस मीन्स डैट मैप्स कैन भी प्रिपेयर इन वेलिड साइजेस मानचित्र कई साइज में प्रिपेयर हो सकते हैं अ मैप ऑफ अलेज और अ स्मॉल टाउन ऑल्सो कैन बी प्रिपेयर इन वेलिड साइजेस अब बस्तियों के आपको मैप्स बनाने हों या गाँव के बनाने हों तो वो भी बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं और कई साइज़ में भी बना सकते हैं अ मैप ऑफ अ विलेज और अ स्मॉल टाउन ऑल्सो कैन बी प्रिपेयर छोटी बस्ती हो छोटे गाँव हो कस्बे हों उनके मैप्स भी आपको प्रिपेयर करने होंगे तो वो भी अच्छे से बना सकते हैं दे फोर वी कैन सी द न्यूमरस एडवांटेज दैट मैप्स हैव मैप्स के बहुत फ़ायदे हैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैप्स के बहुत फ़ायदे हैं इन कंपेरिजन टू ग्लोब फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज़ मैप मैप इज अ ड्रॉइंग और प्लान ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट शोज कंट्रीज रिवर्स माउंटेन्स रोड्स विलेजेस टाउन्स ई टी सी ई टी सी मतलब मानचित्र है क्या है मैप मानचित्र है तो पृथ्वी का मानचित्र जिस पर हम विभिन्न देश हैं नदियाँ हैं पहाड़ हैं सड़कें हैं ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं किस पे दिखाई जाती हैं मानचित्र पे सो मैप इज़ अ ड्रॉइंग और प्लान ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट शोज कंट्रीज रिवर्स माउंटेन्स एंड रोड्स एंड सो ऑन सो ऑन तो यही आपका मानचित्र है जिसपे हम लोग नदियाँ पहाड़ सड़कें देश ये सब दिखा सकते हैं क्लियरली ये देखिए नीचे पूरे मैप्स ये मैप है आपका देखिए वर्ल्ड का मैप है ये किसका मैप है भाई इंडिया का नहीं स्पेशली इंडिया का नहीं इन्होंने पूरा वर्ल्ड का दिया हुआ है पूरे कॉन्टिनेंट्स इन्होंने शो किए हैं ओशियंस शो किया देखिए कितना बड़ा है एशिया कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा साफ बिल्कुल एशिया कॉन्टिनेंट यूरोप है अफ्रीका है ऑस्ट्रेलिया है साउथ अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका है एक और होता है एंटार्क्टिका इसमें नहीं दिया इन्होंने तो इत सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं और कितने अच्छे से दिखाए देखिए सबसे बड़ा आपको खुद दिख रहा होगा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पूछा जाता है कौन सा होता है वो एशिया है और देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको एशिया और सबसे छोटा है वो कौन सा है ऑस्ट्रेलिया देखिए कितना छोटा सा बना हुआ है और ये जो नीचे एक दिख रहा है आपको ये ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नीचे ये है न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलिया है एशिया है यूरोप है अफ्रीका है नॉर्थ अमेरिका है साउथ अमेरिका है ठीक एंटार्कटिका है ये सब क्या हैं कॉन्टिनेंट्स हैं ऐसे ही ओशन्स होते हैं फोर ओशंस भी हैं और सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक सबसे छोटा आर्कटिक ओशन फोर होते हैं तो पैसिफिक है इंडियन ओशियन है आर्कटिक ओशियन है अटलांटिक ओशियन है और इंडियन ओशियन हमारी कंट्री के नेम पे है इंडिया के नेम पे ठीक तो ये मैप हो गया आपका वर्ल्ड मैप ये ग्रीन लैंड है सबसे बड़ा आइलैंड है ये सबसे बड़ा आइलैंड आइलैंड क्या है भाई अभी आपको प्रीवियस लेसन में हमने बताया था ऐसी लैंड बॉडी या लैंड मास या लैंड बॉडी जो चारों तरफ से पानी से घिरी रहती है वो है आइलैंड और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वो है ग्रीन लैंड आप देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है हाँ मैप्स कैन बी प्रिपेयर टू शो ग्रेट डिटेल अब मैप्स बनाए क्यों जाते हैं भाई ये सब चीज़ें तो मैंशन करनी रहती इसके लिए बनाए जाते हैं और डिटेल्स हमको लेनी रहेंगी तब भी हम मैप्स प्रिपेयर करते हैं दे कैन शो माउंटेन रेंजेस हिल्स प्लेट यूज प्लेन्स डिजर्ट्स ग्रास लैंड्स रिवर्स एंड वैलीज इतनी चीज़ें मैप पे हम देखते हैं भाई पहाड़ हैं बड़े बड़े चोटियाँ हैं पठार है मैदान हैं घास के मैदान हैं रेगिस्तान है नदियाँ घाटियाँ क्या बचा फिर कुछ नहीं सारी चीज़ें एक तरीके से हर एक चीज़ मैंशन की जाती है मैप पर ए टू जेड मैप्स इवेंट शो फार्म लैंड्स माइंड्स यहाँ तक कि खेत और आपकी जो खान होती हैं जैसे सोने की खुदाई सोने की खान है डायमंड की माइंस होती हैं उन सब को भी आप मैप पे देख सकते हो सोचो बचा क्या कुछ भी तो नहीं बचा ए टू जेड तो मेंशन कर दिया गया मैप पे वही चीज़ है ये मोर कॉमनली द शो अस टाउन्स सिटीज़ विलेजेस रोड्स और कॉमनली वो क्या क्या शो करते हैं भाई ये सब तो चलिए मेजर पोर्शन में भाई ज़्यादातर चीज़ें आ गई कॉमनली जो शो करेंगे वो हमारे जैसे कस्बे हो गए बस्तियाँ हो गई शहर हो गए, गए गांव, सड़कें रेलवे लाइंस, ये सब भी शो हो गए तो मैप पे ए टू जेड मीन्स आप जो ये फिजिकल फीचर्स हैं इनके अलावा आप ये जो विलेजेस टाउन्स सिटीज ये सब भी ये सब भी शो करते हैं मैप पे देर आर बुक्स विच कंटेन ओनली मैप्स कुछ बुक्स हैं जिसमें मैप्स का ही कलेक्शन होता है क्या पता आप लोगों ने देखा अगर कोई आपका भाई सिस्टर ब्रदर हो जो हायर स्टडीज कर रहे होंगे उनके पास एटलस है तो आप उसको एटलस बोलते हैं ठीक तो एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप्स मैप्स का कलेक्शन होती है एटलस तो आप देखिएगा घर पर होगी आपके पास एटलस भैया दीदी से पूछिएगा जो हायर स्टडीज कर रहे होंगे उनके पास आपको मिल जाएगी एटलस तो उसमें आप चाहे जिसका मैप देख सकते हो इंडिया का मैप वर्ल्ड का मैप इंडिविजुअली किसी कंट्री का देखना चाह रहे हो आप जैसे कॉन्टिनेंट का देखना चाह रहे हो हर एक चीज़ का पूरा देख सकते हैं आप तो एटलस क्या हो गया एटलस एक बुक होती है एटलस इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैप्स एन एटलस कंटेन वैलिड इंफॉर्मेशन वहीं कई इन्फॉर्मेशनस मिलेंगी जब आप देखोगे तो कुछ कुछ आपको समझ में आएगा मैप्स ऑल्सो हैव देयर ओन लैंग्वेज अब एक चीज़ और समझ लीजिए मैप्स अगर आपको समझना है तो मैप्स की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जैसे आप कंप्यूटर सीखते हो कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स करते हो तो उसकी भी तो लैंग्वेज होती है कुछ अब जैसे आगे और आप पढ़ोगे हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ोगे तो उस पर भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है आप समझेंगे आगे तो वैसे ही मैप की भी लैंग्वेज होती है मैप को समझना है तो आपको उसके कोर्स लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी दीज आर समाइम्स कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ अ मैप अब इसी को भाई लैंग्वेज ऑफ अ मैप कहा जाता है इन ऑर्डर टू रीड अ मैप इट इज़ हैंस वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो इट्स लैंग्वेज अगर आपको मैप के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो आपको उसकी भाषा आनी ही आनी चाहिए लेट एस नाउ लर्न आ लिटिल अबाउट द लैंग्वेज ऑफ अ मैप आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में बताना चाह रहे हैं देखिए क्या होती है वो डायरेक्शन्स एंड डिस्टेंसेस अब अगर भाई मैप में बेसिक चीज़ तो अगर आपको भाई मैप क्लियर होगा तो आपको डायरेक्शन भी तो आनी चाहिए पता चले नॉर्थ को आप साउथ बता रहे हैं साउथ को नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट वेस्ट को ईस्ट तब तो फिर हो गया तब तो कभी मैप नहीं सीख पाएंगे आप तो मेन जो रीज़न है वो है आपकी डायरेक्शन बिना डायरेक्शन के मैप आपको समझ में कभी नहीं आएगा तो वही बता रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेज वी ऑल हैव लर्न दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट अब ये तो सभी को पता होगा सूरज पूरब में निकलता है एंड पश्चिम में अस्त होता है तो वो डायरेक्शन ही तो है ये ईस्ट और वेस्ट क्या है दीज आर द डायरेक्शंस तो वी ऑल हैव लर्न द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट द ईस्ट एंड द वेस्ट आर द डायरेक्शंस वी मे मूव आइदर लेफ्ट राइट फ्रंट और बैकवर्ड्स या तो भाई आप आगे मुड़ेंगे या पीछे मुड़ेंगे या बाएं मुड़ेंगे या दाएं मुड़ेंगे मुड़ेंगे ऑल दीज वर्ड्स इंडिकेट डायरेक्शंस अब ये राइट लेफ्ट फ्रंट बैकवर्ड ये जो वर्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे ये डायरेक्शन ही शो करते हैं भाई आप बाएं जा रहे हो तो बाएं क्या है वेस्ट ही तो है तो वो डायरेक्शन हुई कि नहीं अब ऐसे ही दाएँ जा रहे हो तो वो राइट है दैट इज ईस्ट डायरेक्शन ऊपर जाओगे तो नॉर्थ नीचे आओगे तो साउथ मीन्स फ्रंट वर्ड्स एंड बैकवर्ड ये भी तो डायरेक्शन है तो देर आर फोर मेजर डायरेक्शन्स फॉर कॉमन यूज़ द नेम्स ऑफ डायरेक्शन हैव बिन डिफाइंड कॉमन यूज़ के लिए डायरेक्शन के नाम रख दिए गए हैं East, West, North and South. There are four major directions. With means in detail, East, West, North and South. All maps strictly follow a pattern of directions. मैं वही बताया गया ना मैप को अगर समझना है अच्छे से तो आपको directions clearly पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ कौन कौन सी direction North, South, East, West. अभी आगे बढोगे और subdivisions भी हो गए in directions के तो ओवरऑल एट डायरेक्शन हो जाएंगे अभी तो फोर पढ़ रहे हो आप अभी आगे फोर डायरेक्शन और ऐड होंगे तो एट डायरेक्शन हो जाएंगे ओवरऑल तो क्लियर हो गया सनराइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट तो द ईस्ट एंड द वेस्ट आर डायरेक्शन वी मे मूव आइदर लेफ्ट राइट फ्रंट और बैकवर्ड्स ऑल दीज वर्ड्स इंडिकेट डायरेक्शन फॉर कॉमन यूज द नेम्स ऑफ डायरेक्शन डिफाइंड देर आर फोर मेजर डायरेक्शन विज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ ऑल मैप्स स्ट्रिक्टली फॉलो अ पैटर्न ऑफ डायरेक्शन तो ये क्लियर हो गया मैप को अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए देर आर फोर मेजर डायरेक्शन्स डैट इज़ नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ लेटर्स रीड ऑन वॉट दे आर अभी वो कौन कौन सी हैं इनके बारे में पढ़ते हैं चलिए टेक अ मैप ऑफ इंडिया अब आप लोग भाई ऐसे क्या समझोगे अब मैप में अच्छे से आपको नॉलेज बताने के लिए स्कूल आओगे आप तो अच्छे से मैप की फीलिंग आपको सब कराया जाएगा अनफोल्ड और ओपन इट इन फ्रंट ऑफ यू द साइड अपोजिट टू यू वही डायरेक्शंस का इन्होंने प्रैक्टिकल से डेमो देना चाहा है लेकिन अब मैप तो भाई ऐसे आपको नहीं बता सकते हैं तो स्कूल में आके आपको बता देंगे तो भी आप समझ तो हो बट डायरेक्शन तो क्लियर हो गई नॉर्थ का है साउथ का है ईस्ट कहा है वेस्ट कहाँ है तो वही चीज़ द साइड अपोजिट टू द नॉर्थ दैट इज़ क्लोजेस्ट टू यू इज़ द साउथ द लेफ्ट साइड ऑफ द मैप इज़ द वेस्ट एंड द राइट साइड इज़ द ईस्ट अभी बता ही चुके हैं आपको ये देखिए मैप बना है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अब जैसे नॉर्थ में देखिए ऊपर जे एंड के लिखा है जम्मू एंड कश्मीर अब ये तो आपको पहले क्लियर ही हो गया होगा कि जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट नहीं रह गया है अब ये हो गया है एक यूनियन टेरीटरी ठीक है और ईस्ट डायरेक्शन देखिए कितने अच्छे से बताया है राइट में ईस्ट है लेफ्ट में वेस्ट है एंड नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर इज़ इन द नॉर्थ तमिलनाडु इज़ इन द साउथ महाराष्ट्र इज़ टू द वेस्ट एंड असम लाइज टू द ईस्ट फोर स्टेट्स मैंशन किए हैं इन्होंने विथ डायरेक्शन सिर्फ नॉर्थ के अपोजिट में साउथ है नॉर्थ में कौन सा स्टेट है जम्मू कश्मीर है साउथ में तमिलनाडु ईस्ट में असम एंड वेस्ट में महाराष्ट्र कैन यू नेम water बॉडीज़ विच लाई इन द ईस्ट वेस्ट एंड द साउथ अब इन्होंने देखिए क्वेश्चन पुटअप किया है ईस्ट वेस्ट और साउथ में वाटर बॉडी है क्या आप बता सकते हैं वो कौन कौन सी वाटर बॉडी है अब आपको याद होगा फर्स्ट सेशन में हमने अच्छे से बताया था कुछ आइलैंड्स थे और एक ओशियन भी था वही तीनों यहाँ पे पूछ रहा है कौन कौन से तो आपको बता देते हैं ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है लक्षद्वीप है टूवर्स द साउथ इंडियन ओशियन है तो क्लियर हो गया यही है इसमें ठीक तो ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वेस्ट में अरेबियन सी है अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है एंड टूवर्ड्स द साउथ इंडियन ओशियन है तो यही पूछ रहे थे आफ्टर लर्निंग द फ़ोर मेन डायरेक्शंस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न द अदर फोर सब डायरेक्शन अभी बताए थे ना फोर तो मेजर डायरेक्शन होती हैं वो तो आपको आना ही आना है बिल्कुल अब उसके अलावा भी फोर सब डायरेक्शन और होती हैं भाई ये बता रहे भाई आपको वो नॉलेज तो चलिए उसकी हो गई ठीक है इसकी भी नॉलेज हो जानी चाहिए जो और सब डायरेक्शन्स हैं इट इज़ ईजी टू लर्न दीज सब डायरेक्शन्स बहुत ईजी हैं लर्न करने में आपको बस एक बार ट्रिक पता चल जाए फटाफट याद कर लोगे सो इट इज़ ईज़ी टू लर्न दीज सब डायरेक्शंस लेट इज़ स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ अब जैसे देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा बना है अच्छे से ठीक अब देखिए बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या लाइक करेगा आप खुद ही गेस कर सकते हो भाई ये नॉर्थ है यह ईस्ट है बीच में अगर ये लाइन जाएगी ऐसे करके लाइन जा रही है जैसे आपको शो करते हैं रुकिए, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट है ये लाइन गई ठीक ये नॉर्थ ईस्ट है इन दोनों के बीच से थोड़ी ऊपर चली गई लाइन इन दोनों के बिल्कुल मिडिल से जो लाइन निकलेगी वो एक डायरेक्शन बन जाएगी दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वैसे ही साउथ ईस्ट एक डायरेक्शन बनेगी अब ये किन के बीच हो गई आप खुद बता सकते हो अब ये देखिए जैसे हम पूरा आपको क्लियरली जैसे यहाँ से मान लीजिए लाइन शुरू हुई है तो पूरा ये ले लिया हमने यहाँ से ऐसे पूरा बनाया है फोर ये सब डायरेक्शन निकल रही हैं ये आपकी क्या हो जाएगी जो भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है वो बन जाएगी एन ई -E, नॉर्थ ईस्ट साउथ ये देखिए ये साउथ है ये ईस्ट है इसके बीच में ये बना साउथ ईस्ट ऐसे ही ये देखिए नॉर्थ है ये वेस्ट है ये बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट ठीक नीचे बन जाएगा साउथ वेस्ट क्लियर भाई कितने अच्छे से समझ में आ गया खुद बना लोगे आप जहाँ एक बार आपने प्रैक्टिस की तहाँ आप लोग फटाफट सब डायरेक्शन भी याद कर लोगे क्योंकि मेजर डायरेक्शन तो आपको याद है फोर हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर आप सब डायरेक्शन की बात की जाएगी तो वो आप इसको भी क्लियरली मैप पे खुद से बनाना सीख जाओगे ओके तो फिर से समझ लो बिटवीन द नॉर्थ एंड द ईस्ट लाइज द नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन द साउथ एंड ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आ गई साउथ वेस्ट डायरेक्शन आ गई फाइनली नॉर्थ और वेस्ट के बीच में से कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो ये आपकी फोर सब डायरेक्शन हो गई तो ओवरऑल डायरेक्शन कितनी हुई अब अब हो गई एट डायरेक्शन सो क्लियर अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं स्केल स्केल के बारे में बता रहा है कि स्केल क्या होता है क्योंकि अगर आपको स्केल के बारे में पता रहेगा तब आप मैप पे कुछ वर्क जो करना रहेगा जैसे नंबरिंग वगैरह डिस्टेंस शो करना है तो वो आप शो कर लेंगे ठीक है तो स्केल का भी इन्होंने टर्म दिया है स्केल क्या है समझिए पहले स्केल ऑफ अ मैप इज़ द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मतलब मैप की डिस्टेंस और ग्राउंड की डिस्टेंस इन दोनों का रेशियो होता है स्केल मतलब अपने मैप पे कोई डिस्टेंस मान लीजिए किलोमीटर कुछ हंड्रेड किलोमीटर टू हंड्रेड किलोमीटर कुछ भी डिस्टेंस है मैप पे आपने शो किया और वही रेशियो में आपको ग्राउंड पे भी शो कर देना है तो यही हो जाता है आपका स्केल वी हैव लर्न दैट मैप्स फॉलो आ पर्टिकुलर पैटर्न विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन अभी हम लोग पढ़े एक पैटर्न फॉलो करता है किसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन के हमने बताया बिना डायरेक्शन के आप नहीं समझ पाओगे उल्टा फुलटा हो जाएगा इधर से उधर पता चल है आपको कोई पॉइंट मान लीजिए कंट्री या ओशंस या सिटी कुछ भी मेंशन करना है और आपको करना है नॉर्थ डायरेक्शन में और आपने लगा दिया उठा साउथ डायरेक्शन में तब तो रॉन्ग हो गया ना इसीलिए अगर मैप को अच्छे से समझना है तो उसकी डायरेक्शंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है ईस्ट कहाँ है वेस्ट कहाँ है बट वैन इट कम्स टू स्केल द पैटर्न वेरी अभी तो डायरेक्शन की बात हो रही थी वो तो भाई एक पैटर्न फॉलो ही करता है मैप लेकिन जहाँ तक हम स्केल पर आते हैं वहाँ से ये चेंज होने लगता है Hence, Every map has to indicate how would the distance between two places be measured. दो जगह की डिस्टेंस कैसे मीज़र की जाएगी अब मैप को दिखाना पड़ेगा ना मान लो कोई डिस्टेंस बनी है यहाँ मंदिर है यहाँ पे मान लीजिए स्कूल है हमको डिस्टेंस देखनी है अभी आप लोग आगे पढ़ोगे सीनियर क्लासेस में टोपोग्राफी वगैरह बनाना पड़ेगा अभी और कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जब आप लोग सीनियर क्लास में जाओगे तक तो ऐसे जैसे मान लीजिए डिस्टेंस कोई मीज़र करनी है यहाँ मंदिर है यहाँ पर आपका स्कूल है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको मेजर करनी है आप बिना स्केल के कैसे करोगे भाई स्केल होना ज़रूरी है तभी तो आप किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर किए यहाँ से एक मंदिर से लेके स्कूल मान लीजिए एक किलोमीटर है तो इसीलिए स्केल की नीट पड़ी तो स्केल को एक टर्म इस, इसमें ऐड कर दिया गया है द स्केल इज ऑलवेज प्रोवाइडेड एट अ कॉर्नर ऑफ ए मैप मैप के कॉर्नर में स्केल दी गई होती है लुक एट द एग्ज़ाम्पल इट शोज़ दैट वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर एक सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर से हंड्रेड यहाँ पे देखिए ए से बी तक ऐसे इन्होंने एक ब्लॉक लंबा से ऐसे लाइन बनाई है फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स ऐसे बना दिए हैं जीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन हंड्रेड एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड वन थाउजेंड ऐसे इन्होंने एक सेंटीमीटर पर कितने किलोमीटर माना है हंड्रेड ऐसे इन्होंने समझाने के लिए ले लिया है और देखिए नेक्स्ट क्या है अनदर वे इज टू ड्रॉ अ लाइन एंड डिवाइड इट इंटू इक्ल पार्ट्स अब दूसरा जैसे अगर आपको मैंशन करना रहेगा तरीका तो क्या कियाक्ल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है लुक एट अनदर एग्जाम्पल फिर एक एग्जाम्पल दे दिए हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज़ इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर ए बी की डिस्टेंस मान लो हंड्रेड है तो हमने बताया था अगर जितना आपका डिस्टेंस आप ले रहे हो मैप पर तो उतनी डिस्टेंस ग्राउंड पर लोगे आप ये नहीं कि हंड्रेड वहाँ लिए हो तो ग्राउंड पर नाइन्टी ले लो ना रॉन्ग हो जाएगा डिस्टेंस अगर आपकी मैप पे जो है मान लो फिफ्टी किलोमीटर हंड्रेड किलोमीटर तो ग्राउंड पे भी डिस्टेंस फिफ्टी या हंड्रेड ही होगी आप वैरी नहीं कर पाओगे कि फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी मंथ से कर लिए ग्रॉन्ग हो जाएगा विच मींस दैट द सेम डिस्टेंस ऑन द मैप ऑन विच दिस स्केल इज ड्रॉन वुड इक्वल टू हंड्रेड किलोमीटर तो सेम होनी चाहिए मैप पे भी डिस्टेंस और ग्राउंड पे भी इन द सेम वे इफ द डिस्टेंस इज द सेम एज ए सी और ए द डिस्टेंस वुड बी टू हंड्रेड किलोमीटर्स एंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर्स रिस्पेक्टिवली तो वही चीज़ इन्होंने बताया ए को हम टू हंड्रेड माने हो सी को टू हंड्रेड माने हो तो सेम सेम हुआ कि नहीं ये नहीं कि ए टू हंड्रेड और सी हंड्रेड ये नहीं कर सकते आप तो यही है आपकी स्केल ठीक तो स्केल क्या थी रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू तो द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड अभी क्लास रूम के मैप का इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए ले उसकी लेंथ जो है क्लास रूम की द एक्चुअल लेंथ ऑफ द क्लास रूम बेबी एट मीटर इफ़ यू टेक द स्केल ऑफ वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर एक सेंटीमीटर बराबर आपने एक मीटर माना है तो लेंथ जो होगी पीस ऑफ पेपर पे एट सेंटीमीटर ठीक अगर एक सेंटीमीटर एक मीटर के बराबर है तो जो लेंथ हो जाएगी वो एट एट सेंटीमीटर हो जाएगी इन द सेम वे इफ द क्लास रूम इस टेन मीटर वाइड तो जो मैप पे हो जाएगी वो टेन सेंटीमीटर हो जाएगी तो मतलब अगर डिस्टेंस मैप पे सेम है तो ग्राउंड पे भी सेम ही होनी चाहिए यही ये क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं अब जैसे हम देखते हैं कलर स्कीम पे कुछ कलर्स का भी मेन रोल है यहाँ पर कलर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ मैप दे दिया है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कलर्स दे वेरी इजिली शो द टेरन वाटर बॉडीज लाइक सीज ओशियंस लेक्स रिवर्स ई टी सी आर शोन इन ब्लू अब आपको पता है पानी का तो जनरली ब्लू ही बोला जाता है वैसे तो पानी का कोई कलर नहीं होता कलरलेस होता है बट यहाँ मैप पे मैपे हम शो करने के लिए कलर लिया गया है ब्लू कलर का क्या हो जाएगा सीज़ है ओशंस हैं लेक्स हैं रिवर्स हैं टेरन हैं तराई क्षेत्र हैं झील नदी समुद्र ये सब तो इन चीज़ों को शो करने के लिए इन्होंने ब्लू कलर लिया है सब मैप्स में फर्दर वेरी द ब्लू और भी कलर्स हो सकते हैं ये नहीं कि ब्लू ही रहेगा जैसे जैसे ऐड होंगे फीचर्स वैसे वैसे कलर भी चेंज होगा तो ये वाटर बॉडीज़ के लिए इन्होंने ब्लू कलर लिया जैसे ओशंस रिवर्स के लिए फॉर एग्जाम्पल शैलो वाटर्स मे बी शोन बाई पेल ब्लू जो छिछला पानी होगा उसको पेल ब्लू दिया गया है और जो डीप ब्लू मे शो डीपर वाटर और जो बहुत गहरा होगा उसके लिए डीप ब्लू दे रही है वैसे तो वाटर बॉडीज के लिए ब्लू है लेकिन जो शैलो वाटर है उसके लिए पेल ब्लू लिया गया है ये ब्लू का ही पोर्शन है पेल और डीप उसी को ब्लू कलर को और डिवाइड किया गया है थोड़ा भाई जैसे लाइट कलर होता है ब्लू का डार्क कलर होता है वैसा इन्होंने पेल और डीप बना दिया है तो पेल ब्लू शैलो वाटर के लिए है और डीपर वाटर के लिए डीप ब्लू कलर है ग्रीन कलर जो लो लैंड के लिए हैं जैसे भू आकृतियाँ हो गई तो ग्रीन इन्होंने ले लिया मान लो वेजिटेशन भी आप शो करते हो ग्रीन से वेजिटेशन भी शो हो जाएगी येलो एंड लाइट ब्राउन आर यूज टू शो लैंड्स अब भाई लैंड्स को तो आप पता है ब्राउन ही कलर की होती हैं जनरली तो ब्राउन और येलो इन्होंने ले लिया है लैंड शो करने के लिए विच आर हायर दैन द ग्रीन एरियाज और लो लैंड्स लैंडस जो लैंड्स हैं वो ग्रीन एरियाज़ या लो लैंड्स या भू आकृतियाँ से बहुत ही ज़्यादा ऊँची हैं तो कितने कलर्स हुए ब्लू हुए पेल ब्लू डीप ब्लू ग्रीन येलो एंड लाइट ब्राउन फिर है डीप ब्राउन डीप ब्राउन शो करता है हाई लैंड जनरली माउंटेन डार्क कलर का ब्राउन कलर आप जो शो करोगे वो माउंटेन शो करने के लिए यूज़ करेंगे लाइट ब्राउन आप लैंड के लिए करेंगे येलो भी लैंड के लिए कर सकते हैं और डीप ब्राउन जो होगा वो माउंटेन्स के लिए है ठीक तो ब्लू कलर वाटर बॉडीज के लिए हो गया जैसे सीज ओशंस लेक्स रिवर्स पेल ब्लू हो जाएगा शैलो वाटर के लिए डीप ब्लू

उसकी से पता चलेगा और डेप्थ गहराई कितनी है वो भी उसकी से पता चलेगा तो मैप में आपकी स्केल प्रोवाइडेड है की प्रोवाइडेड है ये सारी चीज़ें दी जाती हैं नेक्स्ट देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इन द मैप ऑफ इंडिया शोन द पेल ब्लू कलर शोज़ द डेप्थ ऑफ द सी अब पेल ब्लू पीछे आ गया था भाई ब्लू तो वाटर बॉडीज़ का जैसे ओशियन लेक्स पेयल ब्लू शैलो वाटर के लिए था तो ये शो कर रहा है जो डेप्थ ऑफ द सी है मीन्स गहराई है जो समुद्र की एज जीरो टू सेवेंटी फाइव मीटर वो जीरो से सेवनटी फाइव मीटर के बीच तक रहेगी पेल ब्लू कलर जो शो करेगा मतलब शैलो वाटर जो होगा छिछला पानी होगा उसकी डेप्थ इन्होंने एज्यूम करी होगी जो भी है जीरो टू सेवनटी फाइव मीटर वैसे ही द डीप ग्रीन कलर शोज द हाइट फ्रॉम द सी लेवल अब सी लेवल से हाइट कितनी रहेगी ये ग्रीन कलर शो करेगा वो भी डीप ग्रीन कलर तो ये इन्होंने एज्यूम किया है जीरो टू थ्री हंड्रेड मीटर तो डेप्थ ऑफ द सी एज्यूम हुआ था जीरो टू सेवेंटी फाइव मीटर और सी लेवल से हाइट जो है वो जीरो टू थ्री हंड्रेड मीटर है और दोनों का कलर अलग अलग है पेल ब्लू कलर शोज द डेप्थ ऑफ द सी एंड डीप ग्रीन कलर शोज़ द हाइट फ्रॉम द सी लेवल एज जीरो टू थ्री हंड्रेड मीटर एज योर क्लास वर्क स्टडी द मैप एंड फाइंड आउट द डेप्थ बिलो द सी लेवल और हाइट द सी लेवल बाई द कलर इट शूज़ अब आपका होमवर्क इसमें बता रहा है करने के लिए कितनी गहराई है समुद्र की उसको भी आप स्केल से मेज़र करो या की से मेज़र करो वही दिया है आप देखिए साइंस और सिंबल्स आते हैं जैसे स्केल इंपॉर्टेंट थी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट था वैसे ही साइन एंड सिंबल्स हैं इनका भी यूज़ मैप पे करते हैं कई लोकेशन समझने के लिए जैसे वी हैव लर्नड दैट वी फाइंड अ स्केल एंड अ कलर स्कीम ऑन अ मैप हमने समझा ना भी कलर स्कीम है कलर क्या क्या बता रहा है जैसे कि येलो कलर हो गया लाइट ब्राउन कलर हो गया जो लैंड समझाया डार्क ब्राउन हो गया माउंटेन के लिए ब्लू कलर वाटर बॉडीज़ के लिए जैसे ओशियंस लेक्स रिवर्स के लिए ठीक तो कलर कोडिंग हो गई ग्रीन हो गया आपका वेजिटेशन के लिए वैसे ही स्केल थी डिस्टेंस ऑन द मैप के लिए टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मैप के डिस्टेंस और ग्राउंड की डिस्टेंस का रेशियो था स्केल तो स्केल हुआ कलर पैटर्न हुआ इनके अलावा सिंबल्स का भी यूज़ होता है मैप पे फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस मींस एग्जाम्पल सिटी इज़ मार्ड बाई अ सर्कल जैसे हम एग्जाम्पल लिए अगर आपको सिटी डिनोट करना है मान लीजिए प्रतापगढ़ सिटी आपको डिनोट करना रहेगा मैप पर तो आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर दो ऐसे सर्कल बना दिए तो उसका मतलब खुद ही समझ जाएंगे जो एग्जामिनर होंगे चेक कर रहे होंगे आपका मैप खुद ही बता देगा कि लड़के ने सर्कल बनाया इसका मतलब यहाँ पे सिटी होगी ठीक तो ये कोड वर्ड समझ लीजिए कोड सिंबल्स यूज़ करने के लिए होते हैं अब आप उसे पता चले लिखोगे क्या बड़ा बड़ा कि इतना बड़ा बड़ा सिटी पूरा लिखो मैप पे पता चला आएगा भी नहीं इसीलिए सिंबल्स होते हैं फटाफट उसको डिनोट कर दिए कि सर्कल क्या डिनोट कर रहा है सिटी तो ऐसे देखिए और सिंबल्स यहाँ बने हुए हैं तो अ सिटी इज़ मैक बाई अ सर्कल इफ़ द सिटी इज़ अ कैपिटल इट इज़ आइदर शोन बाई अ कलर्ड सर्कल और ए डॉट अगर वो जो सिटी है वो कोई कैपिटल है जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और हमको उसे शो करना है मुंबई सिटी को शो करना है तो या तो उसको कलर्ड जो सर्कल आप बनाओगे उसको कलर्ड कर दो मान लो रेड कलर का सर्कल आप बना दिए और या तो एक डॉट रख दो और डॉट रख के और फिर उसको सर्कल कर दो मतलब डॉट जो वो इंक्लोज किससे हो जाएगा सर्कल से इंक्लोज हो जाएगा तो आप ये भी तरीका ये बता रहे हैं ठीक या तो आप सिंपल सा सर्कल डिनोट कर दो ऐसे सर्कल बना दो सिटी के लिए लेकिन अगर वो सिटी कोई कैपिटल निकली मान लीजिए यूपी की कैपिटल लखनऊ है तो लखनऊ आपको शो करना है तो आप सर्कल को कलर्ड कर दो या तो डॉट रख के सर्कल बना दो द बाउंड्रीज आर शोन बाई लाइन्स मेड अप ऑफ डैशेज एंड डॉट्स अब आप लोग डैश वगैरह यूज़ करते हो जैसे कम काम वाम करते हो तो आप जैसे डैट डैश लगा रहे हो डॉट रख रहे हो तो वो जो डैश और डॉट है इसका यूज़ आप बाउंड्री के लिए कर सकते हो जैसे इंटरनेशनल बाउंड्री ये देखिए इंटरनेशनल बाउंड्री दिया ऐसे इन्होंने डैश लगाया फिर बिंदी रख दी डैश लगाया फिर बिंदी रख दी तो ये इंटरनेशनल बाउंड्री शो करेगा और स्टेट की बाउंड्री शो करनी होगी तो वो देखिए डॉ डैश लगाया डॉट डैश लगाया डॉट लेकिन वो देखिए कलर डिफर कर रहा है यहाँ पे यह लाइट कलर का है वो ब्लैक में है ये ब्राउन कलर वो ब्लैक कलर में ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है तो सिंपल डैश 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 बनाते जाओ जिला है अगर देखिए डैश बना दिए थे तो डिफरेंस देखते जाइएगा इंटरनेशनल बाउंड्री में डैश डॉट डैश डॉट लेकिन वो ब्लैक कलर था स्टेट में डैश डॉट डैश डॉट लेकिन वो ब्राउन है डिस्ट्रिक्ट में ओनली डैश रोड में आपको दिखाना है तो मेटल देखिए डबल पैरल लाइन बना दी गई है एक दूसरे के पैरल हैं तो ये मेटल्ड हो गया एंड मेटल्ड में इन्होंने पैरल तो रखा है लेकिन वो डैश हो गई है पूरी लाइन नहीं है मतलब कटी है आधी जैसे डैश होता है ना पूरी लाइन कहाँ होती छोटी सी डैश फिर स्पेस देके फिर छोटी सी डैश वो है फुटपाथ है इसमें इन्होंने दो डैश फिर डॉट रखा है दो डैश फिर डॉट तो ये सिंबल्स का यूज़ करके आप मैप पे सिटी डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ वगैरह शो कर सकते हो रेलवे लाइन ब्रॉड गॉज का देखिए बनाए हैं रेलवे लाइन नैरो गॉज बनाए हैं रिवर के लिए देखिए कितना बढ़िया है रिवर ये अगर आप सिंबल कर दोगे ऐसे मैप पे बना दोगे तो समझ जाएंगे ये रिवर कैपिटल टाउन है इसमें ऐसे देखिए सर्कल छोटा सा बना दिए है ना कैपिटल टाउन वही राजधानी बस्ती जो भी हम बताए जैसे राजधानी जैसे यूपी की कैपिटल क्या है लखनऊ उसको शो करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो वही कैपिटल टाउन और टाउन सिंपल सा अगर बस्ती कोई बनानी हो तो सिंपल सा गोला कर लो वही सिटी कुछ बनानी भी बताए थे ना दिया था ना यहाँ पे अ सिटी इज मार्ड बाई अ सर्कल तो ये लास्ट वाला इफ द सिटी इज अ कैपिटल अगर कैपिटल हुआ तो इट इज़ आदर शोन बाई अ कलर्ड सर्कल जैसे ये बना है कैपिटल टाउन में कलर्ड है गोला या तो इससे कर दो या तो डॉट रख के गोला बना दो द बाउंड्रीज आर शोन बाय लाइन्स मेड अप ऑफ डैशेज एंड डॉट डैशेज एंड डॉट डैशेज एंड डॉट्स इंटरनेशनल बाउंड्री स्टेट बाउंड्री ये दोनों देखिए डैश और डॉट का यूज़ किया गया है ए मैप हैज़ अ की टू गिव दीज डिटेल्स एज वी रीड मैप्स वी स्टार्ट टू रिमेंबर द कलर साइंस सिम्बल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको कलर साइंस और सिम्बल्स इन सब की डिटेल अच्छे से मिल जाएगी और ख़ुद भी प्रैक्टिस करते करते आप लोग एकदम परफेक्ट हो जाओगे मैप्स आर हाईली इंफॉर्मेटिव मैप से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है देखिए एक तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही गई क्या बचे आप कुछ तो नहीं बचाए सब कुछ आप शो कर सकते हो टुडे वी फाइंड मैप्स ऑफ वेरीज बिग सिटीज़ बड़े बड़े शहरों के भी मैप आते हैं सो वेन यू विज़िट अ सिटी फॉर द टाइम आस्क योर पेरेंट्स टू बाई अ मैप एंड हेल्प दम रेड टू रेड इट अगर आपको मान लीजिए कहीं शहर किसी बड़ी बड़े शहर घूमने जाना है सिटी जाना है तो अपने पेरेंट्स से कोई मैप खरीदवा लीजिए उस पर बड़ी अपना देख लीजिए कहाँ क्या चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी पहले से मैंशन किया जाता है उसमें आप और अच्छे से उसको समझ जाओगे कि कहाँ क्या है कौन सी शॉप है या कोई जगह है मान लीजिए कोई टेम्पल है वगैरह वो कहाँ पे सिचुएटेड है आप ये भी देख लोगे इस मैप पे, ठीक अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है काइंड ऑफ मैप्स अब मैप्स तो हमने पढ़ा ना अब मैप्स के टाइप क्या होते हैं मैप्स क्या था ड्राइंग और प्लान ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट शोज कंट्रीज रिवर्स माउंटेन रोड्स भाई मानचित्र है मैप जिसपे आप नदियां पहाड़ सड़कें सब देख सकते हैं अब उसी काइंड दिया है तो टू मेन टाइप्स हैं मैप्स के देर आर डिफरेंट काइंड वैसे तो बहुत होते हैं मैप्स के काइंड्स डिफरेंट मैप्स गिव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अलग अलग मैप अलग अलग इन्फॉमेसन देगा देर आर वेजिटेशन मैप्स टोपोग्राफिकल मैप्स क्लाइमेटिक मैप्स देर आर सिटी मैप ट्रेवलर मैप एस योर टीचर टू टेल यू अबाउट दैम कॉमनली वी फाइंड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स मेनली हमें दो ही मैप्स पढ़ने रहते हैं वो है फिजिकल और पॉलिटिकल तो फिजिकल मैप्स में इट शोज फिज़िकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस और कंट्री लाइक रिवर्स माउंटेन्स फॉरेस्ट अगर आपको रिवर माउंटेन या फॉरेस्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कौन सा मैप उठाओगे आप उठाओगे फिजिकल मैप ठीक तो इट शोज फिजिकल फीचर्स ऑफ अ प्लेस और कंट्री लाइक रिवर्स माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट लास्ट वन इज़ पॉलिटिकल मैप इट शोज़ द स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज ठीक तभी अभी जो देखिए बाउंड्री बनी थी ना ये ऊपर जो बनी थी नेशनल बाउंड्री स्टेट बाउंड्री तो इनको अगर आपको शो करना है तो आप पॉलिटिकल मैप उठाओगे ठीक तो ये चीज़ें आपकी इसमें पूरा मैप्स का दिया हुआ था और एटलस क्या था एटलस मैप्स का कलेक्शन था एक बुक होती है वो ठीक तो ओवरऑल डायरेक्शंस कितनी हुई एट डायरेक्शंस थी फोर सब डायरेक्शंस और फोर मेजर डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ठीक तो ये ओवरऑल एट डायरेक्शन हो गई स्केल क्या था रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मैप के डिस्टेंस का रेशियो टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड ये था आपका स्केल कलर्स आपको पता है भाई सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बता रहा था वाटर बॉडीज़ बताया माउंटेंस के लिए अलग लैंड के लिए अलग वेजिटेशन के लिए अलग ऐसे ही काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन किए तो फ़िलहाल आप लोगों का ये लेसन हो गया है कंप्लीट। अब आप लोगों को क्वेश्चंस की अपडेट मिल जाएगी जो क्वेश्चंस होंगे फिलअप टू फॉल्स वगैरह वो सब आप लोगों को मिल जाएगा आप लोग अच्छे से उसको अपनी फिर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा सो ओके थैंक यू